गुड इवनिंग क्लास। तो आज की क्लास में देखिए जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो ये टॉपिक देखिए आपके प्रोफेशनल एग्जाम में पूछा जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यू इस पे बनते हैं, वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। लिगामेंट्स इसके देखिए काफी इम्पोर्टेंट हैं, तो कभी कभी आपको लिगामेंट्स ऑफ टीएम जॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेड एंड नेक रीजन से, दैट इज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे दो पार्ट में। वी विल टेक पार्ट वन टुडे, और पार्ट वन हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में कल कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन में हम लोग बेसिकली आज इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है वो क्या होता है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है। इसके बाद जो भी इसके फीचर्स हैं, मतलब ये जॉइंट जो है किस टाइप का जॉइंट है, कैसी आर्टिकुलर सर्फेस है, कौन कौन सी बोन पार्टिसिपेट करती है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। जो पार्ट टू होगा उसमें हम लोग बेसिकली सारे लिगामेंट्स कवर करेंगे, और इसके बाद इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन के बहुत सारे इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस हैं टीएम जॉइंट के, इसे हम पार्ट टू में इंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करेंगे। सो आज का पार्ट दैट इज पार्ट वन, वी विल डील अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज द स्कल ऑफ कैडवर और ह्यूमन बींग, वेयर यू कैन सी दिस इज मैक्सिला, हेयर यू कैन सी दिस इज मैक्सिला बोन, दिस ब्राउन कलर बोन इज बेसिकली योर मैंडिबल बोन। मैंडिबल जैसा कि आपको पता है ये एक अनपेयर्ड बोन है, सिंगल बोन है, अनपेयर्ड बोन है। लोअर जॉ जो आपका लोअर जॉ है, दिस इज फॉर्म बाय द मैंडिबल बोन। नेक्स्ट जो आपको बोन टीएम जॉइंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। तो मैंडिबुलर में मैंडिबल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, मैंडिबल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, जो आपके पास एक बोन है दैट इज मैंडिबल। नेक्स्ट यू हैव द टेम्पोरल बोन का पार्ट। तो टेम्पोरल बोन का देखिए, आप टेम्पोरल बोन अगर देखेंगे तो उसमें बहुत से पार्ट्स होते हैं, स्क्वैमस पार्ट, टिम्पैनिक पार्ट, पिट्रस पार्ट। तो जो स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है दैट इज ओनली गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है दिस इज टेम्पोरल बोन, ये आपको टेम्पोरल बोन दिखाई दे रही है। तो देर इज आर्टिकुलेशन बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड द मैंडिबल, देर इज अ जॉइंट, देर इज आर्टिकुलेशन। सो आर्टिकुलेशन 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 बिटवीन 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 टेम्पोरल एंड मैंडिबल 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 बोन बोन इज नोन एज इट इज नोन एज टी एम जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट हम इसी को कहते हैं। तो देखिए जब भी हम कोई जॉइंट पढ़ते हैं उसके पहले देखिए बोन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि टीएम जॉइंट जो बन रहा है उसमें टेम्पोरल बोन और मैंडिबल की दो बोन जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो टेम्पोरल बोन अगर आप देखेंगे, द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़ी सी मैंडिबल देख लीजिए। तो मैंडिबल अगर आप देखें जो कि लोअर जॉ की बोन है, दिस वर्टिकल पार्ट इज नोन एज दिस वर्टिकल पार्ट इज नोन एज रैमस, और ये जो हॉरिजेंटल पार्ट दिख रहा है आपको मैंडिबल का, इसे हम बॉडी कहते हैं। तो अगर आप रैमस का देखेंगे, रैमस को देखेंगे, तो रैमस ऑफ द मैंडिबल हैव टू प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन एंटीरियरली जिसे आप कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं जो एंटीरियर प्रोजेक्शन है रैमस ऑफ मैंडिबल में ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट दैट इज नोन एज कोरोनॉइड प्रोसेस। बाकी जो आपको पीछे की साइड में एक प्रोजेक्शन दिख रहा है रैमस ऑफ द मैंडिबल में, दिस इज नोन एज कॉन्डाइलर प्रोसेस। एंड दिस कॉन्डाइलर प्रोसेस का अगर आप देखेंगे तो अपर एंड थोड़ा सा स्फेरिकल होता है, राउंडेड होता है,
दिस इज नोन एज कॉन्डाइल, कॉन्डाइल, और ये जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है इसे हम कहते हैं नेक। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल है, जो ये कॉन्डाइलर पूरा प्रोसेस जो है कॉन्डाइल और नेक को मिला के वी कॉल इट एज कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो कॉन्डाइलर प्रोसेस कंप्राइज ऑफ कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल एज वेल एज द नेक ऑफ द मैंडिबल। इसमें जो पार्ट फाइनली टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट बनाने जा रहा है दैट इज कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल, जो आपको ये स्फेरिकल इलिप्टिकल पार्ट मैंडिबल के कॉन्डाइलर प्रोसेस का दिखाई दे रहा है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द टीएम ज्वाइंट। तो ये जो कॉन्डाइल है, ये जो कॉन्डाइल है, ये आपका मैंडिबुलर ज्वाइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट बनाने में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए आप देखेंगे द एंड द नेम फॉर द TM joint is, it is a type of bicondylar joint. It's a type of bicondylar joint. तो आप देखेंगे कि दोनों condyle, right and left condyle, जो है बना रहे हैं mandible के temporomandibular joint. इसीलिए हम इसे bicondylar joint में include करते हैं. जो next bone है, उसकी थोड़ी आप detailing देख लीजिए. That is temporal bone. टेम्पोरल बोन, जैसा कि इस डायग्राम में आपको ये पूरी जो बोन दिखाई दे रही है, दिस इज टेम्पोरल बोन। इसके कई सारे पार्ट हैं, जो बिल्कुल फ्लैट पार्ट दिख रहा है आपको, स्मूथ पार्ट दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्क्वैमस पार्ट। इसी स्क्वैमस पार्ट में आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे कॉनकेविटी है, कुछ प्रोसेस है जो कि फाइनली आर्टिकुलेट कर रहा है कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल से, एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म द टीएम जॉइंट। Next, you have a process from the temporal bone that is known as zygomatic process. Then you have another part of the temporal bone that is known as tympanic part of the temporal bone. Posteriorly, you have the an elevation and elevated solid part that is known as mastoid process. And अगर आप temporal bone को cranial cavity के अंदर से देखेंगे, फोसा जब आप पढ़ते हैं, एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडिल क्रैनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, देन इफ यू सी द मिडिल क्रैनियल फोसा, मिडिल क्रैनियल फोसा, मिडिल क्रैनियल फोसा जब आप देखते हैं एक स्कल का, तो वहां पे आपको बीच में एक बहुत ही हार्ड सी बोन, टफ बोन दिखाई देती है, दैट इज द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। यहाँ जो टीएम जॉइंट बनाने जा रही है, उसमें बेसिकली जो आपका स्क्वैमस पार्ट है, दैट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द टीएम जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यू कैन सी द दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्डाइलर प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। ये जो आपको कंस्ट्रिक्टेड एरिया दिख रहा है, दिस इज नेक, और जो आपको ये राउंडेड पार्ट दिख रहा है, दिस इज द कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल। नेक्स्ट बोन जो आपकी फॉर्मेशन में, दिस जॉइंट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, दिस इज द स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, जिसका कि आपको एक यहाँ पे एलिवेशन दिखाई देगा, जिसे आप आर्टिकुलर एमिनेंस कहते हैं। ये जो स्मूथ कॉनकेव पार्ट है, दिस इज नोन एज द ग्लेनॉइड फोसा, जहाँ पे कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल जाके अटैच होता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो पीछे का पार्ट है वो थोड़ा कॉनकेव है, आगे का पार्ट थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट है, जिसे आप जो है आर्टिकुलर एमिनेंस कहते हैं। तो दिस जो लेटरल व्यू ऑफ द स्कल है, वहाँ पे आप अच्छे से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, एक साइड का टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आप देख पा रहे हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन की व्हाट इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, क्या है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अभी आपने कहा कि इट इज आर्टिकुलेशन ऑफ मैंडिबल विद द squamous part of temporal bone, with the squamous part of temporal bone के साथ ये एक joint बनाता है, that is known as temporomandibular joint। तो आप इस diagram में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये आपको टेम्पोरल बोन का पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस ब्लू कलर इज शोइंग द पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और आपको ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, ये है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मैंडिबल, कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल।
तो यहाँ पे आपको टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, विच इज एन आर्टिकुलेशन बिटवीन द मैंडिबल एंड द टेम्पोरल बोन। नाउ ये किस टाइप का ज्वाइंट है अगर आप देखेंगे तो, अगर आप ज्वाइंट की बात करें ये किस टाइप का ज्वाइंट है, एक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखिए जो टेम्पोरो मैंडिबल ज्वाइंट है, मैंडिबल है, वहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होता है, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का ज्वाइंट नहीं है। यहाँ पे मूवमेंट की वजह से आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है, टाइप ऑफ ज्वाइंट है। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ज्वाइंट, क्योंकि आप देखेंगे यूजली वी हैव साइनोवियल कैविटी, यहाँ पे जो साइनोवियल कैविटी है वो थोड़ा सा डिवाइडेड होती है दो पार्ट में, दो कंपार्टमेंट में, तो ये एटिपिकल टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट है। बीच में आपको आर्टिकुलर डिस्क मिलेगी जिससे पूरी पूरी कैविटी दो पार्ट में डिवाइड रहती है, तो और सर्फेस जो है आप देखेंगे बिल्कुल एक जैसे ना होके थोड़ा सा डिफरेंट सर्फेस आपको दिखाई देती है, इस वजह से वी पुट इट इन टू द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट एज इसके पास एक, यहाँ पे आपको डिस्क दिखाई दे रही है, तो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ज्वाइंट विच इज हैविंग इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, डिस्क है ठीक है, एक फाइब्रोकार्टिलेज की डिस्क है। नेक्स्ट जो है वैरायटी अगर आप कहें तो दैट इज बाई कॉन्डाइलर वैरायटी है इसकी, क्योंकि दो कॉन्डाइल आपके राइट कॉन्डाइल एंड द लेफ्ट कॉन्डाइल की जो आप मैंडिबल देख रहे हैं, दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबल का जो अपर एंड है ये थोड़ा सा इलिप्टिकल होता है, राउंडेड होता है, दैट इज नोन एज कॉन्डाइल, दिस इज नोन एज कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल। और ये कॉन्डाइल यू हैव द राइट साइड में एक कॉन्डाइल और लेफ्ट साइड में दूसरा कॉन्डाइल, इसलिए दिस जॉइंट इज आल्सो अ वैरायटी ऑफ बाइकॉन्डाइलर जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, जैसा कि आप सारे टिपिकल साइनोवियल जॉइंट में देखते हैं कि यू हैव दो बोन्स हैं जो कि जॉइंट बना रही हैं, कैप्सूल से कवर हैं, अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन इसको लाइन कर रही है, अंदर इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन कर रही है, यहाँ पे जो फ्लूड है दैट इज साइनोवियल फ्लूड, आपको आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज का डिस्क दिखाई देता है, तो ये एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट आप देखते हैं। लेकिन इन केस ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट द जॉइंट इज बेसिकली ए टिपिकल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट है क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस दिखेगी, डिस्क दिखेगा, सॉरी डिस्क नहीं, हाइलाइट सॉरी कार्टिलेज दिखेगा, लेकिन दिस जॉइंट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ए टिपिकल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए दिस इज द कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल, यहाँ पे जो आपको फोसा दिखाई दे रही है दिस इज द मैंडिबुलर फोसा जहाँ पे कॉन्डाइल फिट होगा, तो इसीलिए जो कि एक राइट साइड में होगा, एक इसी तरह आपके लेफ्ट साइड में होगा, तो आपको बाइकॉन्डाइलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो है आपको TMJ में दिखाई देगा। और यहाँ पे जो साइनोवियल कैविटी होती है दिस इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है, और इसे हम इंक्लूड करते हैं इनटू ए टिपिकल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। नाउ कमिंग ऑन टू द आर्टिकुलर सर्फेस, देखिए आर्टिकुलर सर्फेस क्या होता है कि पूरी की पूरी बोन का कंप्लीट सर्फेस जो है ज्वाइंट नहीं बनाता है, द पार्ट ऑफ बोनी सर्फेस या सर्फेसेस दैट इज फाइनली going to form the joint is known as articular surface हम उसे कहते हैं, ठीक है। जो पार्ट देखिए पूरा का पूरा कॉन्डाइल जो है पार्ट उसका एक सर्फेस है जो फाइनली ज्वाइंट बनाने में अपनी भागीदारी देता है, दैट इज नोन एज आर्टिकुलर सर्फेस। तो अगर आप देखेंगे तो यू हैव सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेस एंड द इंफीरियर आर्टिकुलर सर्फेस, क्यों दो सर्फेस है, क्योंकि दो बोन्स हैं, एक बोन्स का सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेस एंड दूसरा जो बोन है वो इंफीरियर आर्टिकुलर सर्फेस बनेगी।
तो आर्टिकुलर सर्फेस यू हैव टू आर्टिकुलर सर्फेस, वन इज योर सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेस एंड वन इज योर इनफीरियर आर्टिकुलर सर्फेस। तो अगर आप सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेस देखें तो वो किससे बनती है, आपकी जो सुपीरियर बोन है दैट इज टेम्पोरल बोन। तो सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेस इज फॉर्म बाय द स्क्वैमस, स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इज गोइंग टू फॉर्म द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट। एंड इसमें आप देखेंगे कि ये जो कॉनकेविटी है, ये जो कॉनकेविटी है इसे हम आर्टिकुलर फोसा कहते हैं। और आपको आगे एक यहाँ पे राउंडेड एलिवेशन दिखाई देता है, कॉन्वेक्स पार्ट दिखाई देता है, इसे आप आर्टिकुलर एमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड दिस सर्फेस शोज टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स, टू फीचर्स। एक आपको यहाँ पे आर्टिकुलर आर्टिक्यूलर फोसा मिलेगा जिसे आप मैंडिबुलर फोसा कहते हैं, और दूसरा आपको यहाँ पे एक एमिनेंस मिलेगा जिसे आप आर्टिक्यूलर एमिनेंस भी कहते हैं, एमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है, सर्फेस कैसी है, सर्फेस अगर आप देखें आर्टिकुलर सर्फेस की, तो ये पीछे की तरफ कॉनकेव है और आगे की तरफ कॉन्वेक्स है। तो इट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव पार्ट है, ये आपका कॉन्वेक्स पार्ट है, कॉनकेव कॉनकेवो कॉन्वेक्स, फ्रॉम बिहाइंड टू फ्रंट, बिहाइंड टू फ्रंट जब आप आएंगे तो आपको पीछे का पार्ट कॉनकेव दिखाई देगा और आगे का पार्ट आपको कॉन्वेक्स दिखाएगा। तो दिस कंप्लीट इज द सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द इंफीरियर आर्टिकुलर सर्फेस, अगर आप इंफीरियर आर्टिकुलर सर्फेस देखेंगे तो अभी आपने कहा दिस इज फॉर्म बाय द हेड और द कॉन्डाइल, इट इज फॉर्म बाय द, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेड, या इसी को आप कॉन्डाइल कहते हैं, हेड या कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल, कॉन्डाइल ऑफ द मैंडिबल से बनता है सो इंफीरियर आर्टिकुलर सर्फेस। और इसका अगर आप शेप देखेंगे तो ये बिल्कुल राउंडेड नहीं होता, ये इसका सरफेस जो है, सपोज करिए ये हेड है और हेड को आप ऊपर से देख रहे हैं, इस तरह से ये इलिप्टिकल शेप का आपको सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इसकी जो सरफेस है, सरफेस इज इलिप्टिकल। ठीक है, थोड़ा सा लंबाई में आपको इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल है सरफेस, आपको इलिप्टिकल दिखाई देगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आम तौर पे जो आप साइनोवियल जॉइंट देखते हैं, सपोज के लिए एक बोन ये है और एक बोन जो है ये है, इसके एंड्स पे आपको कार्टिलेज दिखाई देता है जो ज्यादातर केसेस में कैसा होता है, हाईलाइन टाइप का होता है, हाईलाइन टाइप का होता है। लेकिन इन केस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट दीज आर कवर्ड बाय फाइब्रो कार्टिलेज जो कि कार्टिलेज की एक वैरायटी है। जब आप कार्टिलेज पढ़ते हैं तो यू हैव द इलास्टिक कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज, जिसमें कि जो हाईलाइन कार्टिलेज है वो आमतौर पे साइनोवियल जॉइंट के एंड्स पे लगा रहता है। लेकिन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कार्टिलेज दिखेगी जॉइंट के फॉर्मेशन में दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, अगर आप देखेंगे अदर साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं हैज आर्टिकुलर सर्फेसेस, आप कह सकते हैं अदर साइनोवियल जॉइंट हैज आर्टिकुलर सर्फेसेस कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये आपका एक कार्टिलेज, ये आपका एक एमसीक्यू बन जाता है कि कैसे क्यों आप टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत रखते हैं, एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आप रखते हैं। इस वजह से क्योंकि वहां पे जो कार्टिलेज है वो फाइब्रो कार्टिलेज है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कार्टिलेज है वो कैसी है, फाइब्रो कार्टिलेज, थोड़ा पार्ट उसमें फाइब्रस है, थोड़ा पार्ट उसमें जो फाइब्रस टिश्यू है और पार्ट उसका कार्टिलेज से बना हुआ है।
जो भी वहां पे आपको डिस्क दिखाई दे रही है वो फाइब्रो कार्टिलेज की दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द जॉइंट कैविटी एंड द आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि जो जॉइंट कैविटी होती है उसके अंदर आप देखिए पूरा जॉइंट स्पेस है, इसके अंदर आपको एक फाइब्रो कार्टिलेज की डिस्क दिखाई दे रही है एंड दिस इज नोन एज आर्टिकुलर डिस्क, दिस इज नोन एज आर्टिकुलर डिस्क। यू विल फाइंड इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क दैट डिवाइड्स, एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क आपको ये दिखाई दे रही है, इंट्रा इनसाइड द जॉइंट कैविटी यू विल फाइंड इंट्रा इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, आर्टिकुलर डिस्क, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क which is formed by the fibrocartilage. Fibrocartilage की ये बनी होती है और ये divide कर, it divides the joint cavity into two compartment, ठीक है, एक upper compartment और एक lower compartment. जो upper compartment है इसे हम menisco temporal compartment कहते हैं. अपर कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट, टेम्पोरल कंपार्टमेंट, वाइल द लोअर कंपार्टमेंट इज नोन एज मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट, मैंडिबुलर कंपार्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी बोन लोअर साइड में है, लोअर आर्टिकुलर सर्फिस बना रही है. दिस लोअर कंपार्टमेंट इज नोन एज, चूंकि ये मैंडिबल के क्लोजर है इसलिए इस कंपार्टमेंट को हम लोग जो नंबर टू कंपार्टमेंट है, दिस नंबर टू इज बेसिकली द मेनिस्कोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड नंबर वन कंपार्टमेंट जो फाइब्रोकार्टिलेज के ऊपर की तरफ है दिस इज नोन एज मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट. इस तरह से जो पूरा एक आप नॉर्मली आप एक जॉइंट स्पेस एक जॉइंट कैविटी देखते हैं सिनोवियल जॉइंट में, लेकिन इन केस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यू विल फाइंड ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट बाय एन आर्टिकुलर डिस्क व्हिच इज फॉर्म बाय द फाइब्रो कार्टिलेज. द अपर आर्टिकुलर द अपर स्पेस द अपर जॉइंट स्पेस इज नोन एज मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट while the lower joint space or the lower compartment is known as menisco mandibular compartment. तो इस तरह से आपको ये दो compartment मिलते हैं in case of joint cavity of the temporomandibular joint. Now coming on to the articular disc, इस पे भी आपको MCQ पूछ लिया जाता है. दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको articular disc दिखाई दी जा रही है, यहाँ पे इसके कुछ ये पूरा जो सेंट्रल में आपको डिस्क दिखाई जा रही है, ठीक है. ये डिस्क में आप देखेंगे कि कुछ इसकी स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा चेंजेस नजर आ रहे हैं. आगे की तरफ ये एक्सपेंडेड है, लिटिल टेरिगॉइड से अटैच है, देन यू हैव द एंटीरियर बैंड एंड द पोस्टीरियर थिक बैंड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैंड को जोड़ता हुआ इंटरमीडिएट जोन, पोस्टीरियरली इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट, the upper lamina and the lower lamina. So this is the complete structure of the articular disc. It is having anterior extension, then anterior band, then intermediate zone, posterior band, and most posteriorly it is having two lamina, the upper and the lower lamina. So these are the part of the articular disc. One more thing which you have to remember about the articular disc, that this articular disc is basically, it represents the degenerated tendon of the articular disc. It is often asked in your MCQ examination, NEET PG examination. So the articular disc, represents degenerated tendon of lateral pterygoid muscle, ठीक है. तो ये आपसे MCQ पूछा जाता है कि जो articular disc है temporomandibular joint का वो किस muscle का modification है, तो it is basically degenerated part of the lateral pterygoid muscle, ठीक है. इसके आगे देखिए कि जो है आर्टिकुलर डिस्क, तो यहाँ तक हमने बात कंप्लीट कर ली. इसके आगे जो भी लिगामेंट्स हैं, जो भी कंटिन्यूड
लिगामेंट्स हैं, ठीक है, लिगामेंट्स हैं इसके, आपके मेजर फंक्शन हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ द टीएम जॉइंट, और इसमें कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, और जो अप्लाइड एनाटॉमी है इसको हम लोग पार्ट टू में कवर करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. आपको पता होना चाहिए इसके, ये हमने अभी पार्ट वन कंप्लीट किया है, पार्ट टू में हम लोग इसके आगे कल जो है क्लास में कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स ऑल.